राजधानी में एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां चार दरिंदों ने मिलकर एक नाबालिग दलित किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया। मामला मड़ियाव थाना क्षेत्र के IIM रोड का है, जहां 15 वर्षीय किशोरी अपने घर के पास ही रहने वाले एक दोस्त के साथ घूमने के लिए बाइक से निकली थी। रास्ते में लड़के ने अपने तीन और साथियों को बुलाकर उसकी असमत लूट ली। किशोरी के विरोध करने पर चारों किशोरों ने किशोरी से मारपीट भी की। मौका पाकर पीड़िता चलती बाइक से कूद गई, जिसके कारण उसको गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता की मां ने गांव के दबंग और उसके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां के मुताबिक चार लोगों ने उनकी बेटी के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी कल रात से घर नहीं लौटी थी, जिसको वह लोग ढूंढ रहे थे। साथ ही बताया कि आज जब उनकी बेटी मिली तो उसने अपने आप बातें सुनाते हुए चार लोगों द्वारा गैंगरेप व मारपीट करने की बात बताई। वहीं पुलिस के मुताबिक लड़की कल पड़ोस में ही रहने वाले लड़के के साथ कहीं गई थी, जहां लड़के की नीयत खराब हो गई और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बलात्कार किया। साथ ही बताया कि लड़के उस लड़की को बाइक पर बिठाकर छोड़ने जा रहे थे, जहां लड़की बाइक से गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में नामजद नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी तीन अन्य लोगों की तलाश जारी है। क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? हुआ का सर, जब लड़के ले जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या हुआ था पूरा? बलात्कार हुआ मेरी लड़की के साथ। कब हुआ? कल 7 बजे रह गए थे, सारी रात ढूंढे, सारी रात नहीं मिली हमारी लड़की। मिली है वही अभी 4 बजे, वही 6 बजे के बीच में। कहाँ पर मिली? डेंटल अस्पताल में। कौन लेके गया था? पता नहीं सर, किसने लेके गए वहाँ। अच्छा, क्या बताया लड़की ने अभी तक? उसको कह रहे नहीं पता है किसने लेके गया। कितने साल की लड़की? कितने साल की लड़की है? 15 साल की। चेहरे पे चोट है? लड़की के चेहरे पे चोट जो आई है? बता रही मारा है हमको, बहुत गलत काम भी किया, मारा भी है, पता नहीं काहे से मारा। कितने लोग थे? 4 लोग। ये कल रात की घटना है। मालपुर खेड़ा के आसपास एक लड़की थी जो अपनी माँ के साथ रहती है, और उसके पड़ोस में रहने वाले ही उसके एक दोस्त ने जिसके बुलाने पे उसने लड़की को बुलाया। लड़की अपने विलिंग से उसके साथ गई। बाद में उस लड़के की नीयत बदल के उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस लड़की के साथ गलत काम किया, और उसके पास उसको हमने गाड़ी से बैठा के उसके घर छोड़ा था। इसी बीच लड़की गाड़ी से गिर गई, जिससे चोट आ गई, जिससे डर के इसके साथ ही भाग गए। जब भाग गए तो किसी रागीर ने उन्हें ट्रामा सेंटर पहुंचा दिया। आज शाम को जब लड़की के घर वाले ने लड़कों को लेकर के आके अपनी पूरी बात थाने बताई, तो उनकी तहरीर लेकर FIR पंजीकृत की गई। जो नामजद बाल उपचारी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की पूछताछ की जा रही है, जो भी नाम प्रकाश में आएगा उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और संपूर्ण एक्शन लिया जाएगा, जिससे घटना को पूरी तरह से गंभीरता से लिया जाएगा।